हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम पायरोल के बारे में देखने वाले हैं। केमिकल फॉर इसका जो फॉर्मूला होता है C4H5N, मतलब चार कार्बन एटम, पांच हाइड्रोजन एटम एंड यहाँ पर नाइट्रोजन हेट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, पायरोल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, बहुत इजी तरीके से बताऊंगी कैसे इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। साथ में हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। और साथ में मोस्ट आईएमपी पायरोल से रिलेटेड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि आपके बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। इसके अलावा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड चैप्टर के और भी वीडियोस बन चुके हैं जो कि आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो जैसा कि आप इसका फॉर्मूला देख ही चुके हो, चलिए हम स्ट्रक्चर की ओर आते हैं। तो ये आपका एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रो एटम प्रेजेंट है, वो है नाइट्रोजन। यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, पांच हाइड्रोजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है और चार कार्बन एटम। कार्बन कार्बन यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इस प्रकार से ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पायरोल एक फाइव मेंबर्ड नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक है, या फिर पायरोल एक फाइव मेंबर्ड नाइट्रोजन युक्त हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। मतलब यहाँ पे फाइव मेंबर्ड प्रेजेंट होते हैं, आप गिन करके देख लीजिए। यहाँ पर देखिये 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फाइव मेंबर्ड बोलते हैं। क्लासिफिकेशन में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, सिक्स मेंबर्ड वाले भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, फाइव मेंबर्ड वाले भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो ये पायरोल क्या है, फाइव मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। अब चलिए शॉर्ट तरीके से हम इसे ऐसा भी बना सकते हैं नॉर्मली, जैसे कि यहाँ पे CHHC है, तो इसे हम लोग जस्ट ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब आगे आप इसका केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह रिएक्शन वगैरह करोगे तो शॉर्टकट में आप हम इसे जस्ट ऐसे ही बना सकते हैं। तो चलिए कार्बन के पोजीशन के आधार पर या फिर इसका नंबरिंग हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे सबसे हम लोग पहले वन पॉइंट करके लिखते हैं, मतलब 1, 2 इसके पोजीशन के आधार पर हम लोग किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस कार्बन का नामकरण भी किए, जैसे यहाँ पे देख रहे हो सेकंड नंबर का जो कार्बन होगा उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर जो ये वाला जो CH है उसे हम लोग बीटा नाम दिए हुए हैं, इस साइड का जो CH है उसे हम लोग बीटा डैश और इस तरफ का अल्फा डैश। तो इस तरीके से हम लोग इसे जस्ट इसका मतलब इसे दर्शाए हुए हैं नंबर के द्वारा। अब चलिए एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पायरोल एक फाइव मेंबर्ड नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक है, जो कि आप लोगों को पता ही है। यह क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, निकोटीन, एट्रोपिन, कोकेन, बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। तो पायरोल स्ट्रक्चर, अगर आप लोगों ने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप लोग हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में जरूर आप लोगों ने पायरोल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये तो था गाइस पायरोल का छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने पायरोल के स्ट्रक्चर के बारे में देखा और उसके बारे में कुछ कुछ हम लोगों ने पॉइंट्स लिखा। अब चलिए मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल बनाया, स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल मतलब अनुनादी संरचना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ईयर से आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते आ रहे हो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, काफी सारे बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा हार्ड लगता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाए, किस तरीके से बनता है, सब चीज तो देखने में सेम लग रहा है बट ये बनता कैसे है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है और ये कैसे बनता है। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए सबसे पहले हम पायरोल की संरचना बनाते हैं। तो इस तरीके से पायरोल हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने CH ये सब नहीं लिखा हुआ है, जस्ट हम लोग ऐसा ड्रॉ किए हुए हैं, तो आपको समझ जाना है यहाँ पर CH है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे NH है, जो हेट्रो एटम है उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे NH, और यहाँ पे N में जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब इनके पास ये कहिए कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ पायरोल का। अब हम लोग इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसमें आप लोग देखोगे कि इसमें पांच संरचना बनता है, टोटल फाइव स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, सबसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड ये फिफ्थ। तो आखिर इस तरीके से हम लोग कैसे बनाते हैं संरचना, तो देखिये इसमें बहुत ही ईजी है गाइस। ये क्या होता है, बॉन्ड केवल शिफ्ट होते जाता है, बॉन्ड जो है वो हर एक स्ट्रक्चर में एक के बाद एक अपना जगह चेंज करते रहेंगे। यहाँ पे जो आपका चार्ज है निगेटिव चार्ज, वो भी
यहाँ पर शिफ्ट होते रहेंगे और उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर तब तक बनेगा जब तक ये अपने एक्चुअल पोजिशन में फिर से ना आ जाए। अब देखिए एक एक करके मैं बताती हूँ। आपको पता है यहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये इसका फर्स्ट नंबर का स्ट्रक्चर हुआ पायरोल का। अब सेकंड नंबर का स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, ये जो आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा, घनत्व तो बढ़ेगा, वहां पे हम लोग निगेटिव चार्ज मतलब इस तरीके से लगा देंगे। तो ये समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर आप जो डबल बॉन्ड देख रहे हो वो डबल बॉन्ड पहले यहाँ पर है, इस पोजीशन में है, ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन में आ जाएंगे। मतलब पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, वो डबल बॉन्ड अब हम लोग यहाँ लगाएंगे और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब सेकेंड स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि बॉन्ड का जो पोजिशन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये बॉन्ड क्या है, पूरा घूमते जाएंगे लास्ट तक हम लोग इसे देखेंगे और जब ये बॉन्ड घूम फिर कर फिर से अपने पोजीशन में आएंगे वहां पर हमारा ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर में थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर देखिए, पहले आपका निगेटिव चार्ज यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं और बॉन्ड आपका जो ये वाला बॉन्ड यहाँ था अब ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड पहले यहाँ था वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर बन गया आपका। फोर्थ नंबर का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज था वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड था वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड था वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। पांचवे नंबर का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, ये वाला बॉन्ड था वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। पांचवा स्ट्रक्चर बन गया आपके। अब हम लोग देखते हैं इसको घुमा करके, अगर हम लोग इसका छठवा देखें तो ये स्ट्रक्चर ये जो बॉन्ड है वो फिर से यहाँ पर आ जाएगा और ये बॉन्ड फिर से यहाँ पर आ जाएगा, निगेटिव चार्ज नीचे आ जाएगा, मतलब फिर से अपने पहले कंडीशन में आ गया। ये देखिए ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो मतलब कहने का मतलब है केवल हम लोग बॉन्ड का पोजिशन चेंज करेंगे और पांच मतलब इतना इसको स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे कि जब तक ये अपने पहले स्थिति में ना आ जाए। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो इसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यही आपकी अनुनादी संरचना या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पायरोल का कहलाता है। तो बना लोगे आप, बहुत ही इजी है, केवल आपको बॉन्ड का जो पोजीशन है, ये जो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वही आपको चेंज करते जाना है, एक के बाद आपको पोजीशन चेंज करते जाना है, बहुत ही इजी तरीके से आपका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इससे रिलेटेड काफी सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी पायरोल के। अब चलिए हम लोग इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं पायरोल का। तो सबसे पहला मेथड है आपका अस्थि तेल से मतलब बोन ऑयल से ठोस पोटेशियम पिरोल का भाप आसवन करने पर पिरोल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है सॉलिड पोटेशियम पायरोल, इसका फॉर्मूला है C4H4NK+H2O। हम इसका जो है वो वाटर के साथ इसका रिएक्शन करेंगे मतलब इसका भाप आसवन करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, देखिए हमें पायरोल प्राप्त हो जाएगा, बहुत ही इजी है। आपको पता है H2O जो है वो टू पार्ट में डिवाइड होते हैं, H+ और OH-। तो जो इसका H+ पार्ट होगा वो यहाँ पर आकर के इस तरीके से C4H5N बन जाएगा और ये जो इसका OH पार्ट है वो K के साथ जुड़ जाएगा और ये आपका KOH बन जाएगा। फाइनली हमें पायरोल प्राप्त हो चुका है। तो पहला क्लियर हुआ आपको बोन ऑयल से हम कैसे पायरोल बना सकते हैं। सेकंड नंबर का है एसिटिलीन एवं अमोनिया से, एसिटिलीन एवं अमोनिया का जब हम आपस में रिएक्शन कराते हैं तो भी हमें पायरोल मिलता है। एसिटिलीन का फॉर्मूला देखिए (2C2H2+NH3)। तो यहाँ पे 2C2H2 है मतलब C4H4 ही है यहाँ पे क्योंकि सामने में दो लगा है। यहाँ पे अमोनिया, अब देखिए दोनों का हम आपस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, इस तरीके से पायरोल हमारा बन जाएगा। देखिए इसमें से क्या होगा, एक इसका नाइट्रोजन एटम और इसका एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे एसिटिलीन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं और ये आपका पायरोल बन जाता है। बाकी इसका जो H2 पार्ट है वो यहाँ से गैस बन करके, हाइड्रोजन गैस बन करके यहाँ से चले जाते हैं और ये आपका पायरोल बन जाता है एसिटिलीन एवं अमोनिया से। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो गाइज, यहाँ पे 4 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से आया तो 5 हाइड्रोजन एटम हो गए और एक नाइट्रोजन भी यहाँ पे जुड़ गया, ये आपका पायरोल की संरचना बन गया। अब थर्ड नंबर का हम लोग देखेंगे लैबोरेटरी मेथड मतलब प्रयोगशाला विधि से कैसे करेंगे। तो प्रयोगशाला विधि से हम अमोनियम म्यूसेट और ग्लिसरॉल को 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं और आपस में मिलाते हैं तो ये आपस में मिल करके बनाते हैं पायरोल। तो इस तरीके से पायरोल का संरचना बनेगा और यहाँ से
कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल, अमोनिया का दो मॉलिक्यूल और वाटर का फोर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज होता है और यहां पर आपका पायरोल बनता है। क्लियर हो गई आपको? तो इस तरीके से आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख सकते हो। वैसे ज्यादातर देखा गया है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत कम पूछे जाते हैं पायरोल का, बट फिर भी अगर पूछ दिए तो आप लोग इसे नोट्स में जरूर लिख लें। जो हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें आप लोगों को बहुत सारे सॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताऊंगी गाइस। अब चलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। सबसे पहला, ये रंगहीन लिक्विड होता है। ये जो आपका पायरोल होता है वो बिल्कुल कलरलेस लिक्विड होता है। हवा में खुला रखने पर यह काला पड़ जाता है। यह वाटर में अल्पविलेय है, अगर हम पानी में घोले तो जल्दी नहीं घुलता है, लेकिन अगर इसे हम अल्कोहल और इथर में घोले तो यह आसानी से घुल जाता है। पायरोल की वाष्प HCl के वाष्प से भीगी चीड़ की तीली को लाल कर देती है। तो यूनानी भाषा में पायरोल का मतलब होता है अग्नि जैसी लाल, तो इसी कारण इसे यूनानी भाषा के आधार पर पायरोल वर्ड दिया गया है। क्योंकि क्या होता है, जो पायरोल का जो वाष्प होता है वो HCl के वाष्प से भीगी चीड़ की तीली को लाल कर देती है, तो इसी के नाम के इसी गुण के आधार पर इनका नाम पायरोल रखा गया है। तो ये तो हुआ हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं नेक्स्ट में आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट बताऊंगी। सेकंड पार्ट आप लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि सेकंड पार्ट में आप लोगों को बताऊंगी कि पायरोल के से रिलेटेड कौन कौन से सॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको पूछे गए। और आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉर्ट टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो सेकंड पार्ट को आपको जरूर देखना गाइस। मोस्ट एमपी टॉपिक में आप लोगों को वहां पर बताने वाली हूं। ये तो था पायरोल का जस्ट इंट्रोडक्शन और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।